नमस्कार। यूपी की चुनावी अंगड़ाइयों के बीच कुछ किस्से पुराने भी याद आने लगे हैं और कुछ तो राजनीतिक इतिहास के पन्नों में दर्ज दिलचस्प सियासी कहानियां नजरों से टकराने लगी हैं, जो आज भी यूपी की राजनीति में जिंदा है। यूपी में 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही नेताओं ने जुबानी जंग छेड़ दी। इन सबके बीच राजनेताओं के किस्सों की भी चर्चा तेज हो गई है। क्या गली, क्या नुक्कड़, क्या चाय की दुकान और क्या पान की दुकान, जहां भी चार पांच लोग खड़े हैं बस अपनी अपनी स्थानीय भाषा में चुनावी चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं चुनावी चर्चाओं के बीच यूपी की सियासत से जुड़े ऐसे ही एक मुख्यमंत्री का रोचक किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कभी यूपी की सत्ता एक ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में भी रही जो खुद को चोर कहते थे। सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है और उस मुख्यमंत्री का नाम है चंद्रभानु गुप्ता। बता दें, चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार रहे। हर कोई उनके सियासी जलवे से वाकिफ है। चंद्रभानु गुप्ता पर कई बार करप्शन के आरोप लगाए गए। मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर जब जब विरोधियों ने करप्शन का आरोप लगाया, तब तब वो सभी आरोपों को हंसकर हवा में उड़ा दिया करते थे। आलम यह था कि वो मजाकिया अंदाज में कहते थे, गली गली में शोर है, चंद्रभानु गुप्ता चोर है। हालांकि जब उनकी मौत हुई तो उनके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए थे। चंद्रभानु गुप्ता का जन्म अलीगढ़ के बिजौली में 14 जुलाई 1902 को हुआ था। पिता हीरालाल समाज सेवक थे। चंद्रभानु का मन भी समाज सेवा में रम गया। इसके लिए वो आर्य समाज से जुड़ गए थे और आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उनकी शुरुआती पढ़ाई लखीमपुर खीरी में हुई। लखनऊ से उन्होंने वकालत की और यहीं से वकालत शुरू कर दी। चंद्रभानु यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार वो साल 1960 से साल 1963 तक मुख्यमंत्री रहे। साल 1967 के चुनाव में जीतने के बाद वो फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 19 दिनों तक ही रहा। इसके बाद साल 1969 में चंद्रभानु गुप्ता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रभानु का बोलबाला था। उन्हें जनता बेहद पसंद करती थी। हालांकि उनकी सामाजिक लोकप्रियता को जवाहरलाल नेहरू पसंद नहीं करते थे। बताया तो यह भी जाता है कि चंद्रभानु गुप्ता का जलवा जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा था। यूपी कांग्रेस में उनका इतना दबदबा था कि विधायक पहले चंद्रभानु के सामने नतमस्तक होते थे और उसके बाद नेहरू के पास जाते थे। उनका यूपी की राजनीति में कद इतना बड़ा हो गया था कि मोरारजी देसाई की सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री पद उन्हें ऑफर किया गया था, लेकिन खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। और चलिए आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीजों से वाकिफ कराते हैं। 17 साल की उम्र में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। चंद्रभानु गुप्ता 10 बार से ज्यादा बार जेल गए। चंद्रभानु 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नेहरू की नापसंदगी के चलते इस्तीफा देना पड़ा। 1967 के चुनाव जीतने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार सिर्फ 19 दिनों के लिए ही सीएम पद पर रहे। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस तोड़कर अपनी पार्टी बना ली थी, जिस वजह से सरकार गिर गई थी। इसके बाद चंद्रभानु की सीएम पद की कुर्सी चली गई। आपको बता दें, बड़े बड़े बिजनेसमैन सरकारी सपोर्ट लेने के लिए चंद्रभानु गुप्ता के पास आते थे। ऐसे में उन पर आरोप लगने लगे कि उन्होंने काफी पैसों का हेरफेर करके अपने पास जमा कर लिया है। ऐसे आरोप सुनकर वो कभी भी नहीं घबराते थे और मजाकिया अंदाज में हमेशा अपने विरोधियों को जवाब देते थे कि गली गली में शोर है, चंद्रभानु गुप्ता चोर है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जब वो मरे तो उनके बैंक अकाउंट में महज 10,000 रुपए मिले, जबकि उनके घर में नाम मात्र का सामान था। उत्तर प्रदेश की राजनीति की गलियारों में कभी उनका जादू पंडित नेहरू से ज्यादा था। और इसी के साथ उनका निधन लखनऊ में 11 मार्च 1980 को हो गया।